गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA BSc थर्ड ईयर। अपना टॉपिक चल रहा था भारत की नदियाँ। देखिए क्या था, हमने पिछली कक्षा में बात की थी भारत की नदियों की, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात की थी। ऐसी नदियाँ हमने इनको दो भागों में डिवाइड किया था। प्रायद्वीपीय पठार की भारत की नदियों की हम बात कर रहे थे, हमने इनको दो भागों में डिवाइड किया था। एक था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, जिनका हम विस्तृत रूप में कल अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। सुविधा के अकॉर्डिंग हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। देखिए ये जो ग्रीन रंग से बनाया है, ये बनाया है मैंने, क्या बनाया है, प्रायद्वीपीय पठार, और जो रेड से इंडिकेट की हैं ये हैं हमारी नदियाँ, ठीक है, और भारत के मानचित्र पर इसको प्रदर्शित किया गया है। जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उनका क्रम एक बार देखिए आप, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, और आपके कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो नदियों का क्रम है वो सेम इसी प्रकार से रहता है। सबसे पहले लूनी नदी आती है, लेकिन वो अरब सागर तक नहीं पहुँचती है, वो पहुँचती है हमारी कच्छ केरल तक, ठीक है। उसके बाद है साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, श्रावती, गंगावेली और पेरियार, ठीक है। नदियों का क्रम हमारा यही रहेगा। एटलस देखना, दो तीन बार आप इनको पढ़ना, आपको आसानी से ये क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, श्रावती, गंगावेली और पेरियार। देखिए अगर हम इन दोनों नदियों की बात करें, बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली नदी प्लस दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी जो नदियाँ, उनकी लंबाई अधिक थी, और उनकी तुलना में जो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उनकी लंबाई कम पाई जाती है। कारण क्या है? कारण देखिए आप, पश्चिमी ढाल है। मोस्टली जितनी भी नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी ढाल से निकलती हैं। तो पश्चिमी ढाल से निकलने के कारण ये जो नदी हैं इनकी लंबाई बहुत अधिक नहीं पाई जाती है। वैसे हम बात करें जो ये पूरा ढाल है हमारा, इसका ढाल का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस पठार का जो ढाल है वो किधर है, कह सकते हैं दक्षिण पूर्व की ओर है या पूर्व की ओर है, ठीक। तो जितनी भी नदियाँ थी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सारी नदियाँ कहाँ गिरती थी? बंगाल की खाड़ी में निकलती, मोस्टली यहीं से थी, इस कौन से पश्चिमी घाट या इसके आसपास से। लेकिन वो सारी इस भूमि का ढाल पूर्व की ओर होने की वजह से वो सारी नदियाँ कहाँ गिरती थी? बंगाल की खाड़ी में। आपको पता था प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी, उसके बाद कावेरी। अगर हम अरब सागर की नदियों की बात करेंगे तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा नदी सबसे लंबी है। देखिए मध्य भारत के यहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। ये दो नदियाँ हैं जो ढाल के विपरीत बह रही हैं। कारण क्या है? इस पूरे पठार का ढाल तो किधर है? पूर्व की ओर है। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। कारण क्या है? दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, और भ्रंश घाटी का जो ढाल है वो कहाँ है? पश्चिम की ओर। भ्रंश घाटी का जो ढाल है वो कहाँ है? पश्चिम की ओर। यही कारण है कि नर्मदा और जो तापी नदी है, तापी को ताप्ती भी बोलते हैं, नर्मदा और जो तापी नदी है वो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो ये हमने एक छोटी सी बात की थी। दूसरा एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ की जो नदियाँ थी बड़े डेल्टा का निर्माण करती थी, क्योंकि ढाल कम पाया जाता था। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हम इसकी ढाल की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की बात करें, तो इस अकॉर्डिंग है ढाल, तो ये ढाल किधर है? पूर्व की ओर, सही है। तो इधर जो नदी गिरेंगी वो किस प्रकार की होंगी? तीव्रगामी होंगी। ये जितनी भी नदियाँ हैं ये किस प्रकार की हैं? तीव्रगामी हैं। जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, ऊंचाई से गिरती हैं, इसलिए जलप्रपात, झरने, इनका निर्माण करती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नदियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं? तीव्रगामी हैं। ये पश्चिमी ढाल है, पश्चिमी ढाल और जो सागर है इसके बीच बहुत ही कम दूरी पाई जाती है, और इस प्रकार के खड़े जो कगार होंगे, ढाल होंगे, वहाँ से जो नदी बहेगी क्या होगी? तीव्रगामी होगी, और अनेक झरनों का निर्माण करेगी, झरनों का, जलप्रपातों का। तो ये जितनी भी नदी हैं आपने देखना साउथ में, मोस्टली ये क्या करती हैं? झरनों का और जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। हमारी जो श्रावती नदी है उसके बारे में है, जोग जलप्रपात है, 289 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। तो कारण क्या है? किस प्रकार की हैं? तीव्रगामी है। तीव्रगामी का अर्थ है इधर खड़े कगार के साथ ढाल अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इधर की जो नदियां हैं लंबाई में कम हैं लेकिन तीव्रगामी हैं, बहुत अधिक ऊंचाई से गिरती हैं, खड़े कगार वाले ढाल हैं, जिसके कारण
यहाँ जो नदियाँ हैं वो अनेक झरने तथा जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। जबकि हम इस वाले गोदावरी कृष्णा डेल्टा की बात करें, ये ढाल के अनुरूप बहती हैं और कोई बहुत अधिक कह सकते हैं कि हम झरने का निर्माण नहीं करती हैं, लेकिन इधर ढाल अधिक पाया जाता है, ढाल अधिक पाया जाता है। देखिए ये हमने किसकी बात करी, प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की, तो इधर वाले भाग में ढाल अधिक पाया जाता है जैसे, और इधर धीरे 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 ढाल, इसका ढाल प्रायद्वीपीय पठार का ढाल, तो इधर ढाल के अकॉर्डिंग बहती हैं, लेकिन इधर का जो भाग है पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो खड़े कगार वाला है। इसलिए ये जो नदियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं, तीव्रगामी नदियाँ पाई जाती हैं, खड़े कगार वाली नदियाँ कह सकते हैं कि ढाल अधिक पाया जाता है। ढाल अधिक पाया जाता है तो जलप्रपात तथा झरनों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, श्रावती नदी है, श्रावती नदी पे कौन सा जलप्रपात है, जोग गरसोपा, गरसोपा के नाम से भी जानते हैं, जोग जलप्रपात के नाम से भी हम उसको जानते हैं। 289 मीटर की ऊँचाई से यह जल गिरता है। बात करते हैं एक एक करके नदियों की। प्रायद्वीपीय पठार थे, इसका ढाल इधर है, लेकिन फिर भी बहुत सारी नदियां हैं जो किधर गिरती हैं, अरब सागर में। कारण क्या है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलने के कारण वो किधर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियां हैं जैसे नर्मदा और हम तापी की बात करें तो ये नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, मध्य भारत से निकलती हैं, ये ढाल का अनुसरण नहीं करती, क्योंकि जो भ्रंश घाटी है वो भ्रंश घाटी गहरी दरार है, उस दरार का जो ढाल है वो किधर है, पश्चिम की ओर है। तो यही कारण है कि जो नर्मदा और जो तापी नदियां हैं, ताप्ती नदी है, वो कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अब हम सीक्वेंस से बात करते हैं। लोनी नदी पहले हम बात करेंगे। ये देखिए ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। सही है, क्या बोलते हैं हम इसको, खंबात की खाड़ी। कि जो लूनी नदी है कच्छ के रन में, लूनी नदी अरब सागर तक नहीं पहुंचती है। सही है, कारण क्या है, थार का रेगिस्तान आता है, रेगिस्तान से आगे जैसे ही आगे बढ़ती है, यहाँ कच्छ का रन दलदल वाला क्षेत्र है, सागर का जल चला जाता है फिर वापस सूख जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, दलदल पाया जाता है। तो जो कच्छ, जो लूनी नदी है वो कच्छ के रन तक ही पहुँच पाती है, लूनी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, चार नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं, इस खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। नदियों की बात करें, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, वो चारों कहाँ गिरती हैं, इसी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, आगे जितनी भी नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, हालांकि इन नदियों की लंबाई अधिक नहीं पाई जाती है। कारण क्या है, गोवा है, गोवा की राजधानी पणजी, जो जुआरी और मांडवी हैं इन दोनों के मध्य पणजी स्थित है। और बात करते हैं एक एक की बात करते हैं। फर्स्ट में बात करेंगे लूनी नदी की। सही है, और अगर इन नदियों की बात करें, इन नदियों में जो सबसे लंबी जो नदी है प्रायद्वीपीय पठार की, सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है वो कौन सी है, नर्मदा। सबसे लंबी नदी जो प्रायद्वीपीय पठार में गिरती है कौन सी है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है कौन सी है, नर्मदा नदी है। या दूसरी तरह से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि गोदावरी और कावेरी के बाद दक्षिण भारत की तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा की हमने बात करी है, 1312 किलोमीटर की लंबाई इसकी पाई जाती है। बात करते हैं लूनी, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। सही है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, हम उसको बोल सकते हैं नाग पहाड़, आना सागर झील है वहाँ, उस आना सागर झील से क्या निकलती है, लूनी नदी निकलती है। ठीक है, आगे बहती है, बहती बहती आगे आ जाती है, उसके बाद कहाँ पहुँच जाती है, गुजरात में पहुँच जाती है और कच्छ के रन तक यह पहुँचती है। लूनी नदी अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती है। ठीक है, लूनी नदी अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, आना सागर झील से निकलती है और प्रवाहित होती हुई कहाँ पहुँचती है, कच्छ के रन में पहुँचती है। इसी की एक सहायक नदी है, नदी का नाम है सरस्वती, नदी का नाम क्या है, सरस्वती, पुष्कर झील से निकलती है। यह जो सरस्वती जो लूनी की सहायक नदी है ये कहाँ से निकलती है, पुष्कर झील से निकलती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें लूनी नदी, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है, लूनी नदी की लंबाई है 320 किलोमीटर। बालोतरा से आगे इस लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, क्यों, क्योंकि मिट्टी में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसी कारण इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बालोतरा है बाड़मेर में, उस बालोतरा के आगे क्या है, इस नदी का जल
क्या हो जाता है, नमकीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में लवण पाए जाते हैं और जैसे ही नदी आगे बढ़ती है उन लवणों को, लवण क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, नमक क्या होता है, जल में घुल जाता है, जिसके कारण इस नदी का जो जल है बालोतरा से आगे कैसा हो जाता है, नमकीन हो जाता है, जिसके कारण इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। थार का जो मरुस्थल है उसकी सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली एकमात्र सबसे लंबी नदी, ठीक है, कौन सी नदी है, लूनी नदी। नेक्स्ट बात करते हैं लूनी नदी कहाँ, कच्छ के रण में आके गिरती है। कच्छ का रण देखिए क्या होता है, जो ये कच्छ का रण है, अरब सागर का जल इसमें जाता है और वापस आ जाता है। आप सभी जानते हैं ज्वार भाटा आता है तो उसमें जल आगे बढ़ जाता है फिर वापस पीछे हट जाता है, तो जैसे ही जल आगे बढ़ता है दलदल वाली स्थिति बन जाती है, पीछे चला जाता है, धूप तेज पड़ती है, कर्क रेखा पास में है, इसलिए क्या हो जाता है, वापस सूख भी जाता है। तो यहाँ पर दलदल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रण, कच्छ का रण, रण का अर्थ होता है दलदल, कच्छ का रण। तो जो लूनी नदी है वो कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, साबरमती की। साबरमती 330 किलोमीटर बहती है, जो साबरमती है यह भी राजस्थान में एक उदयपुर है, उदयपुर से निकलती है, उदयपुर में झील है, कौन सी, जैसमंद झील। जो साबरमती नदी है उदयपुर में जैसमंद झील से निकलती है, ठीक है, साबरमती नदी उदयपुर में, राजस्थान में एक जिले का नाम है उदयपुर, उदयपुर में एक झील है जैसमंद झील, उस झील से यह साबरमती नदी निकलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है साबर और हाथमती, इसकी सहायक नदियां हैं साबर और हाथमती, और यह जो नदी है यह खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। यह जो नदी है देखिए इस वाले भाग और इसके गुजरात का जो भाग है ये यहाँ तक विस्तृत है, तो ये कहाँ गिरती है, साबरमती राजस्थान से होते हुए और आगे गुजरात, और यहाँ खंबात की जो खाड़ी है वह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगर लूनी नदी की हम बात करें, लूनी नदी राजस्थान में और गुजरात दो राज्यों में प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से अगर साबरमती नदी की हम बात करें तो यह भी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो साबरमती नदी है 330 किलोमीटर उसकी लंबाई पाई जाती है। साबरमती जो नदी है उसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें 330 किलोमीटर उसकी लंबाई पाई जाती है। जल ग्रहण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 26,674 वर्ग किलोमीटर उसका जल ग्रहण क्षेत्र पाया जाता है और यह नदी खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। देखिए इस ये जो बीच वाला भाग है ये क्या है, खंबात की खाड़ी, कहाँ विलीन हो जाती है, खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सी नदी की, माही नदी। माही 560 किलोमीटर लंबी, माही जो नदी है 560 किलोमीटर लंबी है, एमपी मध्य प्रदेश में एक बैतूल जिला है, सही है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और निकलने के बाद क्या होती है, जो माही नदी है राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर वापस आती है और कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, कौन सी नदी, माही नदी। ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, कौन सी नदी है, माही नदी है। तीन राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, तीन राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, क्यों, मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से निकलती है, फिर राजस्थान में जाती है, फिर वापस आती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, फिर गुजरात में आती है और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही जो नदी है तीन राज्यों में क्या है, माही नदी की बात करें तीन राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश में निकलती है, राजस्थान में और फिर गुजरात में, कर्क रेखा को दो बार काटती है। एक बार देखो यू टर्न बना रखा है, पहले किधर जाएगी, उत्तर की तरफ जाएगी, फिर वापस दक्षिण की ओर आती है। तो जो माही नदी है वह कर्क रेखा को दो बार काटती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सी नदी जो अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो आप क्या बताएंगे कि जो माही नदी है वह कर्क रेखा को दो बार काटती है। नेक्स्ट बात करते हैं खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी की जो लंबाई है 560 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है, तीन राज्यों से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा और जो तापी नदी है, तापी को ताप्ती नदी भी कहा जाता है,
ये जो दोनों नदियां हैं ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, क्या डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं या ज्वार नद मुख बनाती हैं। देखिए डेल्टा कैसे बनता है, आप सभी जानते हैं नदी भारी मात्रा में अपने साथ अवसाद लेके आती है और उस अवसाद को वहाँ पर निक्षेपित कर देती है और अनेक धाराओं में बहकर बहना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन भ्रंश घाटी में बहने के कारण ये नदियाँ अपने साथ अवसाद अधिक नहीं लाती हैं, या कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से बहने के कारण अवसाद की मात्रा बिल्कुल कम पाई जाती है, जिसके कारण ये किसी भी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है कई बार कि भारत की कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से एक ऑप्शन नर्मदा या ताप्ती में से आ जाता है कि भारत की नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। अब देखिए नर्मदा की बात करें, जो नर्मदा नदी है अमरकटक, ये देखिए ये हमारे पास सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और इसके जस्ट ऊपर विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी है वह एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश का मतलब होता है गहरी खाई, सही है। अब बात आती है कि ये सारी नदियां तो जैसे पश्चिमी घाट से निकलती हैं इसलिए ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन इस पूरे जो प्रायद्वीप पठार है उसका ढाल किधर पाया जाता है, पूर्व में, लेकिन फिर भी ये दोनों नदियां पश्चिम में गिर रही हैं। कारण क्या है, ये जो जिस भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं उस भ्रंश घाटी का ढाल कौन सा है, पश्चिमी ढाल उसका पाया जाता है। भ्रंश घाटी का ढाल पश्चिम होने के कारण नर्मदा और जो तापी नदी हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल जो है वो किधर है, पूर्व की ओर है, लेकिन नर्मदा और जो तापी नदी हैं वो भ्रंश घाटी से होकर गहरी खाई से होकर गुजरती हैं, गहरी खाई से होकर बहती हैं और उस खाई का ढाल किधर है, पश्चिम में है, जिसके कारण नर्मदा और जो तापी नदी हैं वो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है, ठीक है, इन दोनों के मध्य नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकटक से निकलती है, 1312 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। लेकिन अगर हम बात करें कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य 320 किलोमीटर लंबाई में ये बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों पर्वतों के मध्य 320 किलोमीटर की लंबाई में यह बहती है, लेकिन अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। गिरती कहाँ है, खंबात की खाड़ी, अरब सागर। बजरंग है, तवा है, गवाल है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जो किसकी नदियां हैं, सहायक नदी हैं, इसी नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं। बात करते हैं कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाले प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश है, मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी में अमरकटक पहाड़ी है, वहाँ से इसकी उद्गम होता है, ऊँचाई पाई जाती है। जो मैकाल श्रेणी है उसकी जो ऊँचाई है 1057 मीटर ऊंची वह पाई जाती है। अब भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसके कारण यह नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। महीना चेंज हो गया, बारहवां आ गया, ठीक है। तो नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित क्यों होती है, क्योंकि भ्रंश घाटी से होकर बहती है और भ्रंश घाटी का जो ढाल है वह किधर है, पश्चिम की ओर है। तो क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा बन रहा है कि भ्रंश प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी, ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है, नर्मदा नदी है। भौगोलिक दृष्टि की अगर बात करें तो यह भारतीय नदी नहीं है, परंतु उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विभाजन का कार्य करने वाली इसको रेखा माना जाता है। जल विभाजन जो आता है उस जल विभाजन इसी रेखा के सहारे होता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभाजन का यह कार्य करती है। और हम कह सकते हैं कपिलधारा में यह 25 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। कपिलधारा एक जगह है जहाँ क्या करती है, नर्मदा जलप्रपात का निर्माण करती है, 25 मीटर की ऊंचाई से गिरती है और उसी के जबलपुर के समीप धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, जलप्रपात बनाती है,
जलप्रपात का नाम क्या है? धुआंधार। अब कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ जाता है कि नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, मिलान करें, सही है, तो आप क्या बताएंगे? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके बीच कितने किलोमीटर की दूरी में बहती है? 320 किलोमीटर की दूरी में बहती है। नर्मदा की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? बजरंग है, तवा है, गवाल है, ये जितनी भी हैं ये क्या हैं? उसकी सहायक नदियाँ हैं। ब्रंच घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में जवार नद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। और कह सकते हैं गुजरात में एक जगह का नाम है भैड़ोच, उसके निकट यह कैम्बे की जो खाड़ी है उसमें मिल जाती है। कैम्बे की खाड़ी बोल दीजिए, खंबात की खाड़ी बोल दीजिए। एक शहर है, शहर का नाम क्या है? गुजरात का भड़ोच। उस भड़ोच के पास ये जो नर्मदा नदी है कहाँ प्रवाहित हो जाती है? देखिए गुजरात वाला भाग ही यहाँ नीचे तक आता है, तो गुजरात का एक शहर है भड़ोच, उस भड़ोच के सहारे ये अरब सागर में गिर जाती है, या कह सकते हैं कि कम्बे की खाड़ी में गिर जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? तापी नदी की। तापी नदी का दूसरा नाम क्या है? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। लावदा, पटकी, खांडू और अन्य बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो क्या हैं? इसकी सहायक नदी हैं। सतपुड़ा के दक्षिण में बहने वाली नदी कौन सी है? तापी नदी है। आप सभी जानते हैं कि ये जो पर्वत है अलग अलग उसमें विभाजन है, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो तापी नदी है सतपुड़ा से निकलती है, कहाँ से निकलती है तापी नदी की अगर हम बात करें? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला है तापी नदी की अगर बात करें, बैतूल जिला है। और वहाँ पर क्या लगता है? उस बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। समुद्र तल से 792 मीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है। बहुत सारी सहायक नदी हैं जिसके माध्यम से यह नदी आगे बढ़ती है। और दूसरी अगर हम बात करें, सूरत के समीप जवार नद मुख का निर्माण करती है। जो तापी नदी है, शहर है सूरत, वस्त्र साड़ी के लिए बहुत ही फेमस जगह, उस सूरत के समीप क्या करती है? यह सूरत शहर है और जो तापी नदी है उस सूरत के किनारे क्या करती है? अरब सागर में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें, जवार नद मुख का निर्माण करती हुई 724 किलोमीटर की लंबाई है। जल ग्रहण क्षेत्र अधिक पाया जाता है और ब्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। एक तरफ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, दूसरी तरफ अजंता है। ऊपर सतपुड़ा है, नीचे अजंता है। यह जो तापी नदी है, ताप्ती नदी है, यह भी ब्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। और सूरत के समीप जवार नद मुख का निर्माण करने के बाद यह नदी आगे बढ़ती है और फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो कह सकते हैं कि जो कौन सी नदी? जो ताप्ती नदी है, उसके आसपास सूरत शहर स्थित है। ठीक है, 724 किलोमीटर की लंबाई है सतपुड़ा, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला है, उसके पास ही सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है। लावदा है, पटकी है, खांडू है, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ऊपर सतपुड़ा है, नीचे अजंता की पहाड़ियाँ हैं, दोनों के मध्य ब्रंश घाटी के रूप में बहती हुई पश्चिम में जो सूरत है उसके समीप क्या बनाती है? ज्वार नद मुख का निर्माण करती है और उसके बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो है कितनी? 724 किलोमीटर। देखिए नदियों को जब भी आप याद करें एटलस की सहायता से, या इस मैप को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करते हुए पढ़ें, एक दो बार पढ़ेंगे तो नदियां आपको आसानी से याद हो जाएंगी। कुछ नहीं है, नदी है, ये उद्गम है, इतने किलोमीटर लंबाई है, यहाँ गिरती हैं, ये इसकी सहायक नदी है, इन इन राज्यों से प्रवाहित होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मांडवी और जुआरी। यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी के उत्तर की तरफ मांडवी और दक्षिण की तरफ जुआरी, दोनों ही नदियां हैं, तीव्रगामी नदियां हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और पश्चिमी घाट से निकलने के कारण ये जितनी भी नदियां हैं तीव्रगामी हैं, इसलिए झरनों का निर्माण करती रहती हैं। मांडवी और जुआरी यहाँ की मुख्य नदियां हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करेंगे किसकी? श्रावती की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? श्रावती की। श्रावती जो नदी है पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट पर गोदी गाई एक पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। 120 किलोमीटर इसकी लंबाई पाई जाती है। और इसी श्रावती नदी पर एक प्रपात बना हुआ है जिसको जोग गरसप्पा या जोग प्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है।
यह जो नदी है शिमोगा में अपने उद्गम के बाद प्रसिद्ध गरसोपा या जोग प्रपात का निर्माण करता है, जो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस नदी के किनारे बना हुआ है? श्रावती नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस नदी पर बना हुआ है? श्रावती नदी पर बना हुआ है। कितने मीटर ऊंचाई है? 289 मीटर की ऊंचाई से यह जलप्रपात बनता है। इस नदी की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। कर्नाटक का एक शहर है शिमोगा, उसके पास से क्या है इस जलप्रपात का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एक गंगावेली नदी है इसी के साथ की, पश्चिमी घाट से निकलती है, तीव्रगामी नदी है, जलप्रपातों का निर्माण करती है। लास्ट हम बात करेंगे पेरियार नदी की। सही है, पेरियार नदी केरल की कह सकते हैं दक्षिणी भारत की नदी, और कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है, पश्चिमी घाट के शिवगिरी पर्वत से। 2225 किलोमीटर इसकी पेरियार नदी की जो लंबाई है वह कितनी पाई जाती है? 225 किलोमीटर। केरल की मुख्य नदी मानी जाती है शिवगिरी पर्वत से, पश्चिमी घाट के शिवगिरी पर्वत से क्या होता है इसका उद्गम होता है। और यह मदुरई के समीप जो पेरियार है वो वेगाई नदी में मिलती है, कुल लंबाई 225 है। कोचीन के उत्तर में यह नदी अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है, इसके पास ही कोचीन शहर है, उसके उत्तर में क्या हो जाती है यह नदी अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। तो आज हमने बात करी प्रायद्वीपीय पठार की, वो नदियाँ जो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। और एक चीज़ और बताती हूँ, वर्ष भर इन नदियों को या इन नदियों को मोस्टली जो पानी जल की प्राप्ति होती है दो रूपों में होती है। एक तो आप सभी जानते हैं मानसून आता है, तो सबसे लंबी अवधि तक इस क्षेत्र में मानसून रहता है, और मानसून की जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ अधिक पाई जाती है, इसलिए वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा अधिक होती है तो मोस्टली इन नदियों में जो जल है वह भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि ये नदियाँ तीव्रगामी हैं, जलप्रपात तथा झरनों का निर्माण करती हैं। दूसरा, ये जो क्षेत्र है वह चट्टानी क्षेत्र है, तो इसमें क्या होता है दरारों में जल चला जाता है और धीरे धीरे रिस रिस कर वह इन नदियों में आता रहता है। ठीक है, तो दो प्रकार से इनको जल की प्राप्ति होती रहती है। और आज हमने बात करी प्रायद्वीपीय पठार की, ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं। सबसे लंबी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा है, उसके बाद कौन सी है? तापी है। ये मुख्य बातें थी हमारी। कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, जैसे इसकी बात करें हम, कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, कौन सी नदी पर भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात बनाया गया है। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन सुनिए। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कितने मीटर की ऊंचाई से गिरता है और कौन सी नदी पे है, कमेंट करें। सेकंड क्वेश्चन आप बताएंगे, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली चार नदियों के नाम, किन्हीं दो नदियों के नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। और जहाँ तक हो सके आप मैप बनाएं, मैप ले लीजिए, उसमें इन नदियों का विवरण दें, उसके बाद आप इसको समझें या एटलस का प्रयोग करें, और तब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी कन्फ्यूज हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।